नमस्कार, लाइव उत्तराखंड में आप है मेरे साथ, मैं हूं श्वेता वर्मा। आयुष्मान खुराना पिछले दो सालों में लगातार सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। जबरदस्त कंटेंट और शानदार ह्यूमर के बादशाह बन चुके आयुष्मान खुराना इस शुक्रवार को पुरुषों में गंजेपन की समस्या पर अगली फिल्म लाए हैं, जिसका टाइटल है बाला। जी हाँ, ये एक ऐसे युवक की कहानी है जिसका नाम बाला है, उसके खूबसूरत बालों के चलते ही पड़ा है। सबसे पहले तो ये साफ कर दूं कि बाला महज गंजेपन की कहानी नहीं है, गंजापन इस फिल्म के मुख्य किरदार की कहानी है, लेकिन ये फिल्म उससे कहीं आगे है, काफी कुछ को समेटती है। और इस काफी कुछ को दो घंटे के शानदार पैकेज में देने के लिए सारी तारीफें निर्देशक अमर कौशिक को। पिछले साल स्त्री जैसी शानदार फिल्म से बॉलीवुड में बतौर निर्देशक अपना सफर शुरू करने वाले अमर कौशिक से बाला से कम उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। ये फिल्म हर उस शख्स को अपने साथ जोड़ती है जो कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपने लुक्स को लेकर, अपनी कमियों को लेकर ताने सुनता रहा है। जहां कई लोग इन तानों के साथ जीना सीख जाते हैं, तो कई खूबसूरती के इन पैमानों में खुद को फिट रखने के लिए सब कुछ करने लगते हैं बाला की तरह। इस फिल्म की परफॉर्मेंस या किसी और पहलू पर बात करने से पहले बता दूं कि फिल्म के सबसे बड़े नायक हैं इसके डायलॉग्स, जो शानदार हैं। सिर्फ एक्टर ही नहीं, लगभग हर किरदार के मुंह से निकले शब्द मिस नहीं किया जा सके। दिलचस्प है कि आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव जैसे एक्टर्स ने अपनी फिल्मों में से अब कंटेंट ड्रिवन फिल्मों और मसाला फिल्मों के बीच की लकीर पूरी तरह से मिटा दी है। बाला एक मजेदार एंटरटेनिंग फिल्म है जिसमें खूब मसाला है और खूब सारा कंटेंट। अमर कौशिक ने कानपुर का सुर शानदार तरीके से पकड़ा है, इसलिए काफी मजा आएगा। फिल्मों के तीनों मुख्य किरदारों की बात करें तो आयुष्मान इस बार भी दिल जीतते हैं। वो अपने रोल में इतने कन्विंसिंग है कि आप उनकी तकलीफ, उनके दर्द को खुद को जोड़ा महसूस करेंगे। भूमि भी अपने किरदार में शानदार हैं। यामी गौतम का किरदार काफी मजेदार है और उन्होंने अपने करेक्टर को आखिर तक पकड़ा हुआ है, खासकर जब टिकटॉक की दुनिया में जीने वाली लखनऊ की परी यामी अपने पति की असलियत पता चलने पर पंजाबी में हायो रब्बा कहकर रोने लगती हैं। इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए भी तारीफ बनती है, और खासकर जब बाला अपने बालों पर विग लगाता है तब का म्यूजिक बड़ा जबरदस्त है। फिल्म में यूं तो काफी तारीफ है, लेकिन कुछ सीक्वेंस जैसे अपने तलाक के दौरान बाला का स्कूल रियूनियन में जाना कुछ पलों के लिए अटपटा लगता है। आखिर में यही कहूंगी कि बाला आयुष्मान खुराना का एक और बॉक्स ऑफिस सिक्सर है, जो ये जबरदस्त शॉट देखने के लिए आपको थिएटर जरूर जाना चाहिए। मेरी तरफ से बाला को मिलते हैं 4 स्टार। मनोरंजन की दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।